तीन जिलों के संयुक्त अभियान थे, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा की। और ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर पे जो मंडी मरका है उस जंगलों में एक आई डी ब्लास्ट था, जिसमें 2 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए हैं और 4 जवान घायल हैं। जो शहीद जवान है उसमें सत्यर सिंह और भरत साहू दोनों शहीद हैं, नारायणपुर के हैं, रायपुर के हैं। बहुत ही दुखद घटना है और 4 जवान जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है, उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर अभी रेफर किया जा रहा है। बड़ा ऑपरेशन था कि 3 जवानों मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट के जवानों को इन्वॉल्व किया गया था, मतलब कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन इलाके से? देखिए अभी ये डिस्क्लोज कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल है, मैं बाद में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बट ये हमें अच्छी सूचना थी कि बस्तर डिवीजन के लोग वहाँ उपस्थित हैं जिस पर से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सर, पहले की तरह जवान लौटते थे और एम्बुश किया जाता था, इस बार घटना में अभी कुछ देखने मिला आई डी ब्लास्ट कर रहे हैं, वास्तव में नक्सली अब पूरी तरह से पीछे हट गया ऐसा लग रहा है? देखिए ये तो उनका टैक्टिक्स है, गुरिल्ला वारफेयर में जब वो लड़ाई नहीं कर पाते हैं तो ये आईडी का सहारा ज़्यादा लेते हैं। तो जिस हिसाब से पिछले कई महीनों से देखने को मिला है आपको कि आईडी के ब्लास्ट ज़्यादा हो रहे हैं, जवानों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है आईडी के द्वारा, तो ये उनकी एक टैक्टिक्स है जिसमें आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं। ठीक है।